हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं सौरभ शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और मुझे अकाउंटेंसी पढ़ाने का एक लंबा एक्सपीरियंस है। मेरा कोर एरिया अकाउंटिंग ही है, मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, और मेरा अकाउंटेंसी में सीए, सीएस, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए बहुत सारी क्लासेस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो मैंने अभी लास्ट अटेम्प्ट में अपने एनटीए नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो एक चैप्टर था जिसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस, इसे पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा कहीं क्लियर नहीं था। यूट्यूब पर भी मैंने देखा इसके बारे में, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। तो इस वीडियो को मैं 3 से 4 पार्ट में बनाऊँगा। तो सबसे पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस को करना ज़रूरी क्यों है, इसे करते क्यों हैं, वाई वाई के बाद हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसके डेफिनेशंस वगैरह क्या हैं, एंड देन आफ्टर वी विल परस्यू विद द मेथड्स ऑफ डूइंग दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट में सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उन सभी को अपनी बुक्स में ट्रू एंड फेयर व्यू से दिखाने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू से दिखाने के लिए, ताकि जो सच जो है वही किताबों में दिखे, ताकि कोई हमारे बिजनेस की अगर रीडिंग करना चाहे, हमारे बिजनेस को समझना चाहे, तो वो उससे पढ़ के समझ सके। ऐसे ही हमारे बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड काम करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट में से एक है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट बोले तो कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो बुक्स में रिकॉर्ड करने का जो मेज़र है वो पर्टिकुलर मनी के टर्म्स में होना चाहिए। अगर हम उसे मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, तभी हम उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसे मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं किया जा सकता, तो उसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए कि मनी के टर्म्स में जब हमें मेज़र करना है, तो क्या मनी की वैल्यू ड्यूरिंग द टाइम सेम रहती है कि चेंज होती है। आप सभी को पता है कि पैसे की कीमत कभी भी एक नहीं रहती, टाइम बीतता जाता है, तो टाइम के बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है। तो हमारी अजम्पशन, जबकि अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट क्या है कि मनी के टर्म्स में मेज़र करेंगे, और मनी जो है, जैसा कि लिखा है आपके सामने, मनी स्टेबल है, जबकि मनी स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट पेज पर हम समझते हैं। तो जो चीज़ 1972 में जितने रुपए में कैरेट भर के सामान आता था, वही 1992 के अंदर सामान आधा हो गया, और वही 2012 आते आते सिर्फ 2-4 चीज़ें ही उतने रुपए में आती हैं जितने रुपए में 1972 में पूरी की पूरी कैरेट भर जाती थी। तो हाउ कैन वी से कि मनी की जो वैल्यू है वो सेम रहती, जबकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इसी को मानता है, और यही अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कि वो इन्फ्लेशन को या प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कंसीडर ही नहीं करता, जबकि प्राइस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लाइक अभी आप देखें कि कोरोना वायरस की वजह से जो सप्लाई चेन टूटी है हमारे खाने पीने के सामान की, उससे प्राइस लेवल में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जैसे जो चीज़ 60 रुपये की बिक रही थी, अब वो 80 की बिक रही है। अब बाज़ार में आटा ख़त्म हो गया, तो आपको क्या लगता है बाज़ार में आटा ख़त्म होने से क्या वो सामान उतने का ही मिलेगा? नहीं, उसके दाम बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है पैसे की ताकत कम हो जाएगी। पैसे की ताकत कम हो जाना, परचेजिंग पावर का कम हो जाना, इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ठीक है, और इस चीज़ को हम जो इन्फ्लेशन है वो होता क्यों है भाई, इस चीज़ के कई सारे मेज़र हैं, मैं आपको एक दो बता देता हूँ। सबसे पहला तो है डिमांड सप्लाई से। जैसे आज के दौरान में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है आटे की, तो इस वजह से, क्योंकि एकदम इमीडिएट डिमांड पैदा हो गई, तो इस वजह से हमारे दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश में क्या होगा कि हमारी कीमत जो है इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा, तो बाकी सारी चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन रिफर्स टू स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस राइस इन प्राइसेस, इसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कह देते हैं। तो अगर हम अपनी बुक्स में उसको इन्फ्लेशन को या प्राइस लेवल चेंजेस को रिकॉर्ड ना करें, तो उसके बहुत मतलब एक तरीके से हम बिजनेस की सच्ची पिक्चर अपनी बुक्स में नहीं दिखा पाएंगे, जो कि गलत है। जैसा कि आप देखें कि एक कॉस्ट हमने जो
लैंड थी वो हमने 2000 में ख़रीदी थी, सन 2000 में, जिसकी कीमत कितनी थी, 1 लाख। क्या 20 साल बाद 2020 में उसकी कीमत 1 लाख ही रहेगी? नहीं। आज उसकी कीमत कितनी है, 15 लाख। खरीदी कितने में थी, 1 लाख में, आज उसकी कीमत कितनी है, 15 लाख। तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख की चीज़ हो गई कितने की, 15 लाख में। क्योंकि हम बिज़नेस में एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, हिस्टोरिक। किसका? हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट। और हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो चीज़ जितने की है उसे उतने पे ही दिखाओ, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? सबसे पहला तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्या जो चीज़ थी कितने की, 15 लाख की, उसे दिखा कितने कर रहे हो आप, 1 लाख का। तो ऐसा करने से क्या आप अपनी एसेट का अंडर वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं? क्या वो आपके बिजनेस की सच्चे पिक्चर को दिखा पाएगा? क्या अपनी बैलेंस शीट में आप उतने मजबूत दिख पाएंगे जितने हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसा करने से और क्या होगा? दूसरा पॉइंट है इसमें, जैसा शो हो रहा है, क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व बनाना अकाउंटेंसी के अंदर बैन है, आप इसको नहीं बना सकते, इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। क्यों प्रोहिबिटेड क्यों है भाई? आप अपनी ताकत को छुपा कैसे सकते हो? छुपाने से होगा क्या भैया? सरकार कहती है कि आप अपनी आपकी जो नेटवर्थ है उसे कम मत दिखाइए। तो हमारी अंडर वैल्यूएशन से सीक्रेट रिजर्व बन जाता है, क्योंकि चीज़ 1 लाख की, सॉरी 15 की आपने दिखा रखी है बुक्स में, 1 लाख की। तो ऐसा करना गलत है। ऐसा ही ओवर वैल्यूएशन भी हो जाता है, किसी चीज़ की कीमत तो है कम, आपने उसे दिखा रखा है ज़्यादा पे, तो ये चीज़ गलत है। तीसरा, रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा भैया? आप सीधी सीधी सी चीज़ देखिए कि आपकी चीज़ तो कितने की है, 15 की, आपने दिखा कितने की रखी है, 1 लाख की। भाई तो डेप्रिसिएशन किस पे लगना चाहिए था, यानी कि 15 लाख पे, आपने कितने का दिखा रखा है, 1 लाख का। तो भैया ऐसा करने से तो आपकी एसेट पे डेप्रिसिएशन भी कम लग रहा होगा। जब डेप्रिसिएशन कम लग रहा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा, तो वो भी कम ही जा रहा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब वो कम जा रहा होगा तो प्रॉफिट भी आपका जो है बढ़ के दिखा रहा होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके करने से हमारा, इसके बहुत दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं बहुत गलत है। इससे हमारा टैक्स इवेजन भी हो सकता है कि पता लगा अपना प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा, कई बार ज़्यादा डेप्रिसिएशन जा रहा है तो प्रॉफिट हमारा कम हो रहा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा, इससे टैक्स इवेजन भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, सबसे मेन, क्या हमारे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर हम दिखा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही डॉलर के केसेस में भी होता है। आपने देखा कि आज से 2 से 3 साल पहले की कीमत कितनी थी डॉलर की? डॉलर की कीमत हुआ करती थी 60 रुपये। आज कितनी है जी? आज फिलहाल कल के रेट जो थे 76 रुपीज़, और आज वो 76 से 75 हो गया। तो जो चीज़ मान लिया मैंने 3 साल पहले ख़रीदी थी डॉलर्स में, डॉलर्स के टर्म्स में, वो कितने के टर्म्स में ख़रीदी थी, 60 रुपये के हिसाब से। आज वो चीज़ जो है मतलब बढ़ के उसके दाम क्या हो चुके होंगे, ज़्यादा। तो ज़्यादा होने से मेरी किताब में वो कुछ और चीज़ से लिखा है और मैंने उसे किसी और चीज़ से दिखा रखा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो ये थी इसकी कुछ रिकैप्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, कि इसलिए हमें अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस करना ज़रूरी है, ताकि हमारे बिजनेस में जो प्राइजेस एक्चुअल में हैं उसे ही हम करें। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।